डीपीएस एजुकेशनल ग्रुप। आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथ, ओके। और आज का हमारा टॉपिक है लेफ्ट राइट एंड मोर लेस, ओके। टेक आउट योर मैथ बुक, ओके, एंड ओपन द बुक, सी पेज नंबर 7। सी पेज नंबर 7, ओके। आपके यहाँ पर टॉपिक है आज का लेफ्ट एंड राइट। टुडेज टॉपिक इज लेफ्ट एंड राइट, ओके। आज हम लेफ्ट साइड और राइट साइड का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। हमारा स्टूडेंट्स, आपका जो लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट है आपके बुक में वो दिया हुआ है, तो आज हम इसे रीड करने वाले हैं, ओके, कि लेफ्ट और राइट क्या होता है। व्हाट इज आपका जो यहाँ पर बुक में मेंशन किया हुआ है वो क्या है, मैं आपको रीड करके दिखाती हूँ। द फ्रॉग इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द पॉन्ड। आप ये फ्रॉग है, जो कि फ्रॉग किसको बोलते हैं, मेंढक को। किसको बोलते हैं, मेंढक को, यस, फ्रॉग। तो आपका जो फ्रॉग है और ये जो पॉन्ड है आपका, इसके कौन से साइड पर है, लेफ्ट साइड पर। आपके पास बुक है, आप अपनी बुक में ये पिक्चर अच्छे से सीन करें। आपका जो ये फ्रॉग है वो लेफ्ट साइड पर है, ओके। सेकंड लाइन इज द डक इज ऑन द राइट ऑफ द पॉन्ड। आपका जो ये डक है ना, बतख, वो कौन से साइड पर है अभी, राइट साइड पर, यस, वेरी गुड, ये राइट साइड पर है, ओके। यही आज हम क्लियर करने वाले हैं, लेफ्ट साइड का कॉन्सेप्ट एंड राइट साइड का कॉन्सेप्ट, ओके। आई हैव सम ऑब्जेक्ट्स, ये आपका लेफ्ट और राइट का, आपका हैंड का जो डायरेक्शन होता है लेफ्ट और राइट साइड का, वो हम इसके थ्रू क्लियर कर लेंगे। आपको एक अच्छी बात ये है इसमें, कि इसमें काउंटिंग भी है, आप काउंटिंग भी लर्न कर सकते हो, और काउंटिंग के थ्रू भी हम लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। हमारा आपके जो हैंड्स हैं, आप योर बोथ हैंड्स, आपने अपने बोथ हैंड्स अप किए हैं। अब आप मैम को बताइए, आपका जो ये राइट साइड वाला है, अब आपका कौन सा साइड होगा, क्योंकि आप मैम को सीन कर रहे हैं, तो आपका ये वाला राइट होगा, ओके। आप अपना मैम, आपके आप भी इस तरीके से सीन कर रहे हो, तो ये जो आपके बोथ हैंड है उसमें से राइट साइड कौन सा, दिस वन, जिससे आप राइट करते हो, जिससे आप कॉपी में भी राइट करते हो, तो आपका राइट साइड कौन सा हुआ, दिस वन। अगर मैम टर्न करते हैं तो मैम का राइट साइड कौन सा है, दिस वन, ओके। जिससे जिस हैंड से हम राइट करते हैं, कॉपी पर लिखते हैं, वो हमारा कौन सा हैंड होता है, राइट हैंड, जिससे आप ईट करते हैं, खाना भी खाते हैं, बहुत से काम है जो हम अपने राइट हैंड से करते हैं। एंड आपका जो ये लेफ्ट हैंड है वो ये है, दिस वन इज योर लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड कौन सा है, मैम टर्न करके दिखा रही हूँ, क्योंकि आप मैम को इस तरीके से सीन कर रहे हो, आपका लेफ्ट हैंड ये है, उल्टा हाथ। आपका राइट हैंड है सीधा वाला, एंड आपका लेफ्ट हैंड है उल्टा साइड, ठीक है। अगर मैम टर्न होते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड कौन सा हो गया, दिस वन इज योर लेफ्ट हैंड, ओके। नाउ अभी मैंने आपको ऑब्जेक्ट सीन करवाया था, तो ये ऐसे ही आपको इसमें दिया हुआ है। अगर आपको इसको ऐसे करना है तो ये आपका राइट साइड हो गया है और ये आपका लेफ्ट साइड हो गया है। एंड आई हैव 10 फिंगर्स इन माई हैंड, तो आप काउंट भी कर सकते हैं, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, ओके। तो यू हैव 10 फिंगर इन योर हैंड, एंड आपको राइट एंड लेफ्ट साइड का जो आपका हैंड है वो आपको आपको देखना है कि आपका राइट हैंड कौन सा है एंड लेफ्ट हैंड कौन सा है, सीधा हाथ एंड उल्टा हाथ, ओके। ऐसे ही हमारे जो लेग्स का डायरेक्शन है, तो अगर हमारा दिस वन इज योर राइट हैंड, जिससे हम लिखते हैं, दिस वन इज योर राइट हैंड, ओके। तो जो साइड का आपका जो पार्टीशन है वो साइड आपका कौन सा हो गया, राइट साइड, कौन सा साइड हो गया, राइट साइड। हमारा इस साइड का जो बॉडी पार्ट है वो राइट साइड का है, एंड इस साइड का जो बॉडी पार्ट है वो है लेफ्ट साइड।
साइड। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम अपने लेग्स की पोजीशन पर। ये आपकी लेग्स की पोजीशन है और अभी मैंने आपको सीन करवाया था आपकी हैंड की पोजीशन। ओके, अब आपकी लेग्स की पोजीशन चाहिए। ओके, ये आपकी लेग्स की पोजीशन है। आपके जो लेग्स हैं, स्टैंड अप ऑल ऑफ यू, आप बच्चों खड़े हो जाओ और अपनी राइट और लेफ्ट की डायरेक्शन देखो लेग्स की। आपके लेग्स की राइट और लेफ्ट की डायरेक्शन देखो। आपका जो राइट हैंड है, जो कि अभी मैंने क्लियर करा था, आपका जो राइट हैंड है उस साइड के बॉडी पार्ट का लेग आपका कौन सा हुआ? राइट लेग। आपका कौन सा लेग हुआ? राइट लेग। अगर आप मैम को सीन कर रहे हो तो आपका राइट साइड कौन सा होगा? ये वाला आपका राइट साइड होगा। अगर आप मैम को इस तरीके से सीन कर रहे हो तो आपका ये जो ये वाला पार्टीशन है, इस वाले पार्टीशन का जो पूरा लेग और हैंड बोथ है वो आपका राइट साइड का पार्टीशन है। ओके, सीधा पैर, आपका जो सीधा पैर है वो आपका सीधा पैर राइट साइड वाला है और उल्टी साइड का जो लेफ्ट साइड का है लेग, ये वाला आपका उल्टी साइड का। ओके, नाउ अभी हम क्या करने वाले स्टूडेंट्स, आपके पास ये पिक्चर एक बना हुआ है। इस पिक्चर में क्या लिखा हुआ है? हैव द बेबी रीच द टॉय बाय टेकिंग द पाथ ऑन इट्स लेग। हैव द बेबी रीच द टॉय बाय टेकिंग द पाथ ऑन इट्स लेग। मैथ्सबुक, तो आपको ये जो आपका पिक्चर है, अभी हमने राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। नाउ ये आपका एक पिक्चर है, इस पे क्या लाइन लिखी हुई है वो आप हम सब रीड करेंगे। हेल्प द बेबी रीच द टॉय बाय टेकिंग द पाथ ऑन इट्स लेफ्ट। आपको इसके उल्टी साइड पर यानी लेफ्ट साइड पर, अभी मैंने आपको क्या किया है राइट और लेफ्ट का बताया मीनिंग। आपको ये आपका राइट साइड है एंड दिस वन इज योर लेफ्ट साइड। हेल्प द बेबी रीच द टॉय, हमें इस बेबी की, एक जो बेबी का पिक्चर बना हुआ है, इस बेबी की हमें हेल्प करनी है इसके टॉय तक, इसका रास्ता बताते हुए इसकी हेल्प करनी है कि ये अपने टॉय तक पहुंच सके। टेकिंग द पाथ ऑन इट्स लेफ्ट, अपने उल्टे साइड से, अपने लेफ्ट साइड से होते हुए ये अपने टॉय तक पहुंचना चाहता है, तो हम इसकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे कि इसको अपना टॉय मिल जाए। ओके, नाउ लुक एट द ब्लैक बोर्ड। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर एक बटरफ्लाई और एक डक पिक्चर बनाया हुआ है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इस डक को बटरफ्लाई तक पहुंचाने की इसको इसकी हेल्प करेंगे हम डक की। ओके, तो अब हम क्या, नाउ लुक एट द ब्लैक बोर्ड बेटा। स्टूडेंट्स, अभी इस डक की हम हेल्प करने जा रहे हैं, इसको इसकी बटरफ्लाई से मिला, इसको बटरफ्लाई के पास लेकर जाएंगे। तो अब योर बोथ हैंड, अभी हमें लेफ्ट हैंड का क्या करना है, यूज करना है कि आपका लेफ्ट हैंड कौन सा है। तो अगर हम दोनों हैंड को ऐसे करके देखते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड कौन सा हुआ? दिस वन इज योर लेफ्ट हैंड, ये आपका लेफ्ट है, उल्टा हाथ। ओके, तो आपको क्या करना है, डक को उल्टे साइड से बताओ बच्चा, आपका उल्टा साइड कौन सा है? दिस वन या दिस वन? आपका उल्टा साइड है ये वाला, इस साइड वाला। ओके, तो अब हम डक की हेल्प करेंगे बटरफ्लाई तक ले जाने के लिए। ओके, आप इसको पाथ बताइए अब इसका और इसकी हेल्प करते जाइए, रास्ता बताते हुए इसकी हेल्प करेंगे हम। फिर इसको ऊपर लेकर जाएंगे लाइक दिस। ओके, एंड ये बटरफ्लाई तक पहुंच गई। ओके, आपको भी ऐसे करना है, आपकी जो ये बुक है ना उसमें आपको ऐसे ही करना है, बेबी को लेफ्ट साइड से उसके टॉय तक उसकी हेल्प करनी है। बेबी को क्या करना है, उसकी हेल्प करनी है आपको उसके टॉय तक ले जाने के लिए और उसको लेफ्ट साइड से उसके टॉय तक पहुंचाना है। ओके, नाउ टर्न योर पेज, हमारा सेकंड टॉपिक है मोर एंड लेस। मोर लेस मीन्स क्या होता है बच्चों, ज्यादा और कम। मोर मीन्स ज्यादा और लेस मीन्स कम। मोर मीन्स बहुत सारा, लेस मीन्स बहुत कम।
ओके हमारा सेकंड टॉपिक है मोर एंड लेस, ज्यादा और कम। ओके ज्यादा एंड कम, यहाँ पर आपका टॉपिक दिया, जो टॉपिक दिया हुआ है उसमें एक लाइन है, ओवल्स आर मोर देन पैरट्स, पैरट्स आर लेस देन ओवल्स। यहाँ पर बोला गया है ओवल्स आर मोर देन पैरट्स, जो ओवल्स है, जो उल्लू है वो पैरट से ज्यादा है, मोर मीन्स होता है ज्यादा, तो ओवल्स पैरट्स के कंपैरिजन में ज्यादा है यहाँ पर। ओके पैरट्स आर लेस देन ओवल्स, और पैरट्स ओवल्स के कंपैरिजन में कम है, यानी लेस है, यानी कम है। यहाँ पर कितने ओवल्स है, 1, 2, 3 एंड 4, और यहाँ काउंट करो 1, 2, 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 4 है ओवल्स एंड यहाँ पर पैरट्स 3 है। उसी के अकॉर्डिंग देखिए बच्चों, आपकी जो जो यहाँ पर एप्पल्स की बास्केट है उसमें क्या लिखा हुआ है, रीड इट, सर्कल द बास्केट विथ मोर एप्पल्स, सर्कल द बास्केट, हमें गोला करना है, हमें उस वाली बास्केट पर गोला करना है विथ मोर एप्पल्स, जिसमें मोर मीन्स ज्यादा, जिसमें जिस वाली बास्केट में ज्यादा एप्पल्स है उसमें उस बास्केट को हमें क्या करना है, सर्कल करना है। ओके तो आपके पास इस वाली बास्केट में तो 2 ही एप्पल है, बट इस वाली बास्केट में देखो कितने सारे एप्पल्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन दोनों के कंपैरिजन में कौन सी बास्केट में मोर एप्पल्स है, दिस वन, वेट, तो इस वाली बास्केट को क्या कर देंगे हम, सर्कल कर देंगे, गोला कर देंगे, बिकॉज सर्कल द बास्केट विद मोर एप्पल्स, उस वाली बास्केट को सर्कल करना है जिसमें ज्यादा एप्पल है। सेकंड लाइन है सर्कल द बास्केट विद लेस मैंगोस, हमें इन दोनों के कंपैरिजन में उस बास्केट को सर्कल करना है जिसमें कम मैंगोस है, जिसमें मैंगोस बहुत ही कम है, लेस से बिल्कुल। ओके तो इन दोनों के कंपैरिजन में कौन से वाले बास्केट में मैंगोस लेस है, क्योंकि इसमें तो बहुत है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड इसमें 1, 2, 3, 4, 5 ओनली, इसमें 5 है, तो लेस किसमें हुआ, कम किसमें हुआ, दिस वन, तो हम कौन सी वाली बास्केट को सर्कल करेंगे, लेस वाले मैंगोस वाली बास्केट को। ओके आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा, और आपको ये वाला हुआ आपका जो पेज नंबर 8 एंड 7 वाला, सॉरी 7 वाला वर्ब एंड पेज नंबर 8 वाला वर्ब आपको कंप्लीट करना है एंड